मेजा प्रयागराज क्षेत्र के सोराव गांव स्थित प्राचीन सवालखी मंदिर में दर्शन को पहुंचे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी माता के दर्शन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। विदेश से पढ़ाई के बाद जब मैं पहली बार यमुना पार पहुंचा तो मेरा पहला स्वागत सोराव गांव में हुआ और जो पहला होता है उसे भूल नहीं सकता। जब मेरी उम्र 22 की रही होगी दूसरी बार आज हो रहा है। इससे साबित होता है कि मेरा लगाव इस गांव से कितना है। मैं शहर उत्तरी से जरूर हूँ लेकिन मेरा नाता इस गांव से बहुत पुराना है। आगे कहा कि यमुना पार से जो भी करता हूँ वो सोराव से करता हूँ। आशा करता हूँ यह परंपरा कायम रहे। उक्त अवसर पर उपस्थित गांव के संभ्रांत लोगों के द्वारा माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। विद्यावती हॉस्पिटल के डायरेक्टर राजेश द्विवेदी ने विधायक को अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इससे पूर्व मंदिर में उपस्थित बटुकों ने स्वस्ति वाचन कर विधायक को माता के दर्शन कराए। मंदिर में पहुंचने के तदुपरांत माता की आरती करते हुए विधायक ने आशीर्वाद लिया। देखा जाए तो सवालखी मंदिर गांव के प्राचीनतम मंदिरों में शुमार है। उक्त मंदिर का जीर्णोद्वार वरिष्ठ समाजसेवी व विद्यावती हॉस्पिटल के प्रबंधक राजेश द्विवेदी के द्वारा कराया गया है जो इस वक्त क्षेत्रीय श्रद्धालुओं में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। प्रद्युमन दुबे, चंचल मिश्रा, नंदू दुबे, सभा तिवारी, अधिवक्ता नन्हे शुक्ला, विवेक कुमार केसरी, प्रभा शंकर ओझा, सोनू दुबे, मनोज माली, चांद मोहम्मद उर्फ चंदू, बीना मिश्रा, अभिषेक शर्मा उर्फ माला, अजय कांत तिवारी उर्फ तुलसीदास तिवारी, छोटे पांडे, श्लोक शुक्ला, हेमंत द्विवेदी, बाल कृष्ण शुक्ला, आदर्श दुबे, अवधेश द्विवेदी, रवि गुप्ता, मुकेश शुक्ला, शारदा द्विवेदी, रुद्रमणि द्विवेदी, योगेश द्विवेदी, सत्यम द्विवेदी, अंबुज मिश्रा, उमाशंकर द्विवेदी, मुन्ना पांडे सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से गिरीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।